कमर्शियल 700-600 का नहीं है, 600 का सिलेंडर मेरे को दिलवा दे। तूने कब खरीदा? तू खरीदता सिलेंडर जब से कोर्ट में लगाऊ ना, शायद 5 महीने से मैंने नहीं खरीदा, 5 महीने पहले खरीदा था भाई। अभी 576 रुपए कुछ का खरीदा था मैंने, लेकिन अब 100-150 रुपए महंगा होगा। ये भाई कह रहे हैं 576 के। आज हैप्पीनेस इंडिया के तहत हम थोड़ा जो आम जनता है उससे सर्वे कर रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है, और ख़ासकर जब पेट्रोल डीजल और गैस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका असर हमारे जो दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप है उससे पड़ता है। तो आज हम आम पब्लिक से राय जानते हैं कि उनकी क्या राय है कि महंगाई देश के हित में है या नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि डेवलपमेंट, आप अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए ना, तो इसलिए क्या है कि रेवेन्यू कहाँ से चाहिए और कैसे चाहिए ये जनता से हम खुद पूछते हैं। आइए चलो थोड़ा एक बार जनता से लेते हैं। जो एक गैस से बनता है पेट्रोल डीजल से, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ा है? इफेक्ट तो पूरा ही पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण और गैस भी महंगी हो गई है। आज आम आदमी कहाँ से सिलेंडर लेगा? 800-900 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। सरकार ने सब्सिडी वगैरह सब बंद कर दी है, तो खाने पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ा है, सब्जियों पर सब पे प्रभाव पड़ा है। डीजल महंगा हो गया तो उस पर किराया वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह सब महंगा। सरकार ये कहती है कि अगर ये रेवेन्यू हम बढ़ा रहे हैं तो डेवलपमेंट भी तो दे रहे हैं ना। अभी आधी जनता क्या है कि सस्ते पेट्रोल डीजल ले ले या डेवलपमेंट ले ले, तो क्या मतलब आप उससे आम जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? उससे आम जनता को कहाँ फर्क पड़ रहा है? डेवलपमेंट तो अब जो पैसे वाले लोग हैं वही दे पा रहे हैं, ठीक है। उनको तो जब महंगा हो सस्ता हो उनको कहाँ फर्क पड़ेगा? वो तो आम हमारे तो गरीब लोग रहे हैं ना, रोड पर सारे खर्च बंद कर दिए। आप ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं? मेरा नाम मोक्ष भारद्वाज है, गुड़गांव कोर्ट के सामने के सारे कट बंद कर दिए गए हैं। क्या ये डेवलपमेंट का नाम है? जब आप जाते हो वहाँ जाम लग जाता है रेड लाइट पे मस्जिद से पहले, उससे फ्यूल इतना कंजम्पशन बढ़ गई है, और आधा आधा घंटे इंतजार करने के बाद यू कट पे पहुँच पाते हैं। हम कमिश्नरेट के सामने बस यू कट है, उससे पहले सारे यू कट बंद कर दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो ये वाला PWD वाला भी कट बंद कर दिया जाता है, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। चलो आज मैं ये इनसे पूछते हैं अभी जो भाई ये अपने रोड पे खाना बनाते हैं, तो ये इसमें जो आप बना रहे हो अभी गैस कितने का ले रहे हो आप? गैस 1200 के आसपास का सिलेंडर ले रहे हैं जी। हाँ जी, अभी आप ये बताओ सिलेंडर कितने का लेके आए? लगभग 1200 रुपये का। तो इससे आपके खाने खुने में फर्क पड़ता होगा? जी बिल्कुल पड़ा है। अब यहाँ पे हम अगर 10 रुपये बढ़ा दें तो हमारे तो 10 कस्टमर टूट जाएंगे एकदम से। हम आगे रेट बढ़ा नहीं सकते और पीछे से हमें रेट बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ों पे। मकान मालिक को किराया टाइम पे चाहिए है, सबको अपना टाइम पे चाहिए है। हम राशन लेने जाएंगे उनको पूरा पैसा चाहिए, हम वहाँ पे नहीं कह सकते कि 5 रुपये आप कम ले लो, बट हमारा रेट यहाँ पे वहीं के वहीं है। हमें कहीं ना कहीं लात लग रही है, जिससे हमारी जो दशा है वो पहले से बदतर होती जा रही है। हम लोग चलो खैर नहीं आओ यहाँ पे बेटा। तो हमारी महिला हैं जो महिला एम्पावर को एनकरेज करती हैं, खुद टैक्सी चला रही हैं। तो सर परेशानी तो होएगी, देखिए इतनी आप देख रहे इतनी महंगाई हो रही है और हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए ये कम होना चाहिए। चलो आप देख रहे हैं अल्टीमेटली आप कितना व्हीकल यहाँ पे है, और खुद जो यहाँ पे ड्राइविंग कर रही हैं और पेट्रोल डीजल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है देश के डेवलपमेंट पे, क्योंकि रेट बढ़ना जायज़ है या क्या है, क्या रीज़न है, तो ये आम जनता की अपनी राय जानी। और आप देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया।